दोस्तों नमस्कार, आज हम जानेंगे विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 के बारे में। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग क्या रही, टॉप रैंकर्स देश कौन से थे, किस प्रकार से इसका चुनाव होता है, विश्व आर्थिक फोरम क्या है, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ G20 और G8 देशों का परिचय, ब्रिक्स देशों की रैंकिंग के साथ साथ अन्य जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सबकी डिटेल जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यह बनाया जाता है विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा। विश्व आर्थिक फोरम क्या है, WEF जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी हासिल करेंगे। तो WEF एक गैर लाभकारी वैश्विक संस्था है। स्थापना हुई इसकी 1971 में, और जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसका नाम यूरोपियन प्रबंधन था। यूरोपियन प्रबंधन का जो नाम था यह रखा गया प्रोफेसर क्लॉस एम स्वाब के द्वारा। यह जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, और 1987 में यूरोपियन प्रबंधन का नाम चेंज हुआ, जिसको बाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के नाम से जाना गया। मुख्यालय की अगर बात करते हैं WEF की, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। साथ ही साथ अन्य कार्यालयों की अगर हम बात करें तो टोक्यो, न्यूयॉर्क और बीजिंग, इन तीनों जगह पर WEF के कार्यालय कार्यरत हैं। मीटिंग की बात करते हैं तो मीटिंग इसकी हर साल जनवरी में होती है, और 2015 से इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर मान्यता प्रदान कर दी गई है। अब बात करते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की। यह तो जानकारी थी WEF की, जिसके द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक पेश किया जाता है। अब बात करते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है 100 अंकों का रहता है, और इसी 100 अंकों में से रैंकिंग की जाती है देशों की। तो ये जो 100 अंक है किस आधार पर होते हैं, उसके लिए 12 संकेतक हैं। विभिन्न प्रकार के 12 संकेतकों के आधार पर इसकी रैंकिंग की जाती है। बात करते हैं 2018 के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 में भारत ने पिछले वर्ष की अपेक्षा 5 अंकों का लाभ अर्जित किया है। पहले भारत जो था वो 5 अंक पीछे था, और इस बार 2018 में इसने अपनी रैंक 58th रैंक हासिल की है। तो इसे अगर कंपेयर करेंगे तो जो लास्ट ईयर था वो 63rd रैंक थी इसकी, और 140 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने यह 58वां स्थान प्राप्त किया है। बात करते हैं कि ये जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 था, यह महत्वपूर्ण क्यों रहा भारत के लिए, क्योंकि भारत ने इसमें कुल 62 अंक अर्जित किए, और G20 देशों में यह सबसे महत्वपूर्ण उछाल है। अब यहां पर बात आती है G20 देशों की, जिसमें भारत का सबसे महत्वपूर्ण उछाल है। तो G20 देश क्या है या G8 देश क्या है, जिस प्रकार सबसे पहले G8 देशों को समझेंगे, बहुत ही सिंपल है। जी मतलब ग्रुप, जी जो यहाँ डिनोट कर रहा है वो ग्रुप को डिनोट कर रहा है, चाहे G20 हो या G8 हो। तो G8 क्या है, G8 ऐसे देशों का एक ग्रुप है जो आर्थिक रूप से औद्योगिक संपन्न देश हैं। तो G8 जो देश हैं, इनमें मान लीजिए जैसे कि नाम आते हैं UK के, अमेरिका के, इटली के, जापान के, तो ये सब क्या है कि पहले G6 था फिर G8 हुआ। तो G8 का कार्य क्या है महत्वपूर्ण, ये समझिए। ये क्या करते हैं कि अपने औद्योगिक देशों की तरक्की के लिए मीटिंग करते हैं, आने वाली समस्याओं को फोरकास्ट करते हैं, उनको जो संभावित समस्याएं हैं उनसे लड़ने की रणनीति तैयार करते हैं, और अपने देश को कैसे औद्योगिक क्षेत्र में, चूंकि G8 जो है मुख्य रूप से औद्योगिक देशों का एक ग्रुप है जो औद्योगिक संपन्न देश है, उनका कैसे उसको और आगे बढ़ाया जाए उस पर चर्चा करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो G20 है, G20 भी 20 देशों का ग्रुप है, और ये 20 देश जो है यूरोपियन यूनियन के बहुत ही ताकतवर ग्रुप है, और इनका भी सेम वही काम रहता है कि किस प्रकार से अपने जो देश हैं इनको आगे लेकर जाया जाए, जो G20 के ग्रुप के देश हैं इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए मीटिंग करते हैं, आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए, आने वाली समस्याओं को फोरकास्ट करते हैं, और इस प्रकार ये अपने देशों को आगे लेके जाते हैं। तो इन G20 देशों में जो 20 देशों का ग्रुप है उसमें भारत ने 58वां स्थान हासिल किया है, और मतलब जो उछाल है वो महत्वपूर्ण है। स्थान के हिसाब से तो भारत काफी पीछे है, लेकिन जो रैंक में 5 अंकों का उछाल हासिल किया वो महत्वपूर्ण है। भारत ने कुल 62 अंक अर्जित किए।
अब बात करते हैं कि ब्रिक्स देशों की, तो ब्रिक्स देश जो हैं BRICS, जिसमें क्या क्या आता है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना है, साउथ अफ्रीका, इनमें भारत की रैंकिंग और अन्य देशों की रैंकिंग क्या है। तो ब्रिक्स में सबसे पहला जो बी आता है ब्राजील, इसकी रैंकिंग है 72, 72वीं रैंकिंग है, इसने अंक अर्जित किए 59.5। रूस की रैंकिंग रही 43वीं और इसने अंक अर्जित किए 65.5। भारत की रैंकिंग 58वीं और इसने अंक अर्जित किए 62। चीन ने 28वां स्थान हासिल किया, जिसने 72.6 अंक प्राप्त किए 100 में से। और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो कि ब्रिक्स देशों का अंतिम देश है, उसने 67th रैंक हासिल की 60.8 अंकों के साथ। बात करें टॉप 10 देशों की और लोएस्ट 3 देशों की, तो टॉप 10 में अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, नीदरलैंड, हांगकांग, ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क, ये रहे। अमेरिका ने 83.6 आउट ऑफ 100, सिंगापुर ने 83.5 आउट ऑफ 100, जर्मनी ने 82.8, स्विट्जरलैंड ने 82.6, जापान ने 82.5 और नीदरलैंड ने 82.4 जो रैंक है, जो पॉइंट है वो अर्जित किए। टॉप 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और लोएस्ट 3 जिसमें हैती, यमन और चार, ये 3 देश आते हैं, इन्होंने बॉटम 3 में अपना स्थान बनाया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें हमने बात की WEF की, बहुत ही बेसिक जानकारी हासिल की हमने G20 और G8 की कॉमन वे में, और 2018 विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर हमने प्रोवाइड की। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अन्य वीडियोस की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ यहाँ पर राइट साइड टॉप पर क्लिक करके कार्ड पे आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।